आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, डाउटनेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है, दक्षिण भारत में चार भाषाई क्षेत्रों में से कौन सा असहयोग आंदोलन 1921-22 से अप्रभावित रहा? तो दोस्तों, यहाँ पर आपको चार विकल्प दे रखे हैं। पहला है केरल, दूसरा है तमिलनाडु, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा है कर्नाटक। तो दोस्तों, आइए देखते हैं यहाँ पर हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा। तो जो आपका सही विकल्प होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका कर्नाटक। आइए दोस्तों, थोड़ा सा असहयोग आंदोलन के बारे में हम कुछ तथ्यों को जान लेते हैं, जो कि हमारे एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। असहयोग आंदोलन, तो अगर हम असहयोग आंदोलन का शुभारंभ की बात करें, तो असहयोग आंदोलन का जो शुभारंभ है ये कब हुआ था? ये 1920 ईस्वी से ही हो गया था। और असहयोग आंदोलन के समय, इस समय जो असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था, होने के समय भारत का जो उस समय शुरू होने के समय जो भारत का वायसराय था, असहयोग आंदोलन शुरू होने के समय कई बार एग्जाम में पूछा गया है, भारत का वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय जो था वो था लॉर्ड जेम्स फोर्ड। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको ध्यान रखना है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी, इसको प्रारंभ किया था, असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो आपको याद रखना चाहिए, कि इसका शुभारंभ 1920 ईस्वी में ही हुआ था, शुरू होने के समय भारत का वायसराय लॉर्ड जेम्स फोर्ड था और प्रारंभ किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका जो सही विकल्प हो जाएगा वो डी, कर्नाटक हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।